Hello everyone. So for tomorrow, 23rd February 24, let's talk about trading strategy. By the way, fun fact, 24th February को Russia-Ukraine war के 2 साल हो जाएंगे. It's not good guys, लेकिन देखिए market किसी के लिए रुकता नहीं है और ये बात आपने देख ली कितने सारे there was going on around the world. There's so much uncertainty politically, geopolitically. India में political stability है, सोशली स्टेबिलिटी है, जबकि कुछ चीज़ें इधर उधर हो रही है, फिर भी मार्केट देखिए वो अर्निंग्स का, हम सब अर्निंग्स के गुलाम है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स के हिसाब से मार्केट अपनी चाल चल रहा है ना. नाउ लेट मी गिव यू एन इनसाइट ऑफ सम स्टॉक्स टुमारो जो मैंने आज का ट्रेड क्लोजली ऑब्जर्व किया है. बिफोर आई स्टार्ट माई इनसाइट्स, नन ऑफ दीज स्टॉक्स आर अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है. यू आर एडवाइज्ड टू प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर. दीज आर जस्ट my personal analysis which I'm sharing with you, which is why we have this YouTube channel, the Profit Curve, which is your apna YouTube channel. Stock number one, Infosys. It is at a very critical juncture. Niche baar baar ja raha hai aur baar baar jab koi cheez niche ja ke ek support ko touch karti hai to ya to usme do baar kiya to double bottom banega ya third fourth time bhi touch kiya to wo niche ka support toot sakta hai. इन्फोसिस एक बहुत क्रिटिकल जंक्शन पे है अभी, जहां वो मुझे लगता है कल के सेशन में, एंड यू कैन वॉच इट, आइदर 20-25 रुपीज़ ऊपर या 20-25 रुपीज़ नीचे फर्स्ट मॉर्निंग में ही आपको एक ओपिनियन या एक मूव दे सकता है. इट इज़ एट अ वेरी क्रिटिकल जंक्शन विथ ऑल की सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस दोनों के बीच में खड़ा है. ITC के बारे में आपने देखा कि ITC ट्राइड टू बाउंस बैक. जब तक ITC 421 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोजिंग नहीं देगा, आई एम नॉट कन्विंस्ड अबाउट दिस बाउंस बैक. बट हैविंग सेड दैट, इट इज़ फेयरली अंडर वैल्यूड इवन एट दीज वैल्यूएशंस कंपेयर टू द अदर FMCG स्टॉक्स लाइक HUL एंड ऑल अदर्स. ITC स्टिल इज़ अ फेयरली अंडर वैल्यूड स्टॉक. थर्ड विच आई एम ट्रैकिंग इज रिलायंस इंडस्ट्रीज. लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग टारगेट्स ऑफ 3000 प्लस. मुझे लगता है ये स्टॉक में काफ़ी फटीग आ गया है, मतलब थकावट आ गई है. Any time expect a 5-6% correction in Reliance, not immediately, this is not for tomorrow, but positionally थोड़ा थोड़ा करके. और अगर वो correction आता है, जब ही भी आता है, जिसी भी वजह से आता है, it will be a great buying opportunity in Reliance for me again. तो ये third हो सकता है कल बाजार को Reliance support करे momentary, but वो 3000 का जो psychological level है, the moment it will touch 3000, वहाँ से सेलिंग गाइज आप एक्सपेक्ट करके चलो, एटलीस्ट 5% हेल्दी होगी. अगर आ गई तो अच्छा होगा. देन इन्फोसिस, ITC, रिलायंस, उसके बाद आपको नज़र रखनी है ऐसे स्टॉक्स पे तो क्या 52 वीक नया ब्रेकआउट दे रहे हैं, न्यू 52 वीक हाई बना रहे हैं. बाय द वे आज निफ्टी ने न्यू 52 वीक हाई टच कर लिया वापस. हाँ, मतलब इट वॉज़ अ ट्रिमेंडस बाउंस बैक, ट्रिमेंडस रैली. तो अगर फोर्थ में निफ्टी की ही बात करूँ, निफ्टी एज अ स्टॉक या निफ्टी ETF की ही बात करूँ, कल बहुत चैलेंजिंग हो सकता है निफ्टी के लिए. अगेन मैंने कहा ना, ये साइडवेज मार्केट है तो इसमें दोनों तरफ आपको ट्रेड्स मिलते हैं, लेकिन कहाँ रेजिस्टेंस पे बेचना है और कहाँ सपोर्ट पे गट्स के साथ खरीदना है वो आपको पता होना चाहिए. बेसिकली दिस लुक्स लाइक अ बाय ऑन डिप्स मार्केट. जब तक 21805 इंटैक्ट है, हर डिप पे बाइंग आ रही है, हर डिप पे बाइंग आ रही है. मैं यही चीज़ आपको बार बार बता रहा हूँ. और अपने को क्या है, अगर वो बाइंग नहीं भी आई किसी वजह से, कभी ना कभी ऐसा होगा कि शायद करेक्शन आ भी गया, तो उसमें तो भर भर के लोग आएंगे बाय करने के लिए. लेकिन 20,500 का पिवोटल सपोर्ट हमेशा याद रखना है. आई थिंक उस लेवल तक अगर गया तो सही है. उसके नीचे अगर निफ्टी गया किसी भी वजह से, देन मतलब ट्रेड्स आर ऑफ फॉर मी एटलीस्ट. एंड द फिफ्थ, बैंक निफ्टी. अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में जो पोजीशंस है वो प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक अलग धड़ा हो रहा है बिकॉज ऑफ SBI. SBI अपेरेंटली हैज़ आउट परफॉर्म. सो जितने भी लोगों ने, मेरे लिस्ट में तो वो कभी रहता नहीं है, बट जितने लोगों ने SBI में फेथ दिखाया, फुल क्रेडिट टू यू ऑल. मेरे को फेथ नहीं है तो मैं उसकी बात नहीं कर सकता, बट प्राइवेट बैंक्स अभी अंडर वैल्यूड हैं. शायद HDFC वापस, अब देखो वो एक साइडवेज जोन में फंस रहा है, कहीं ना कहीं आके वो सपोर्ट लेगा और वहाँ से एक बाउंस बैक आएगा जब FIIs उसके पीछे पड़ेंगे. Whenever FIIs will chase HDFC, only then that support will come, and with HDFC the bank Nifty can also move up.
अभी फिलहाल बैंक्स में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छे लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, अपना चक्कर 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 बना रहा है। आज उसने डबल बॉटम बनाया है 52 वीक लो 584। अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी भी वजह से 584 के नीचे क्लोजिंग दे, देन इट्स ब्रेकिंग 52 वीक लो और वो वापस और नीचे जा सकता है। लेकिन फ्रॉम वॉट आई सी, इट्स ऑलवेज फॉर सम रीज़न नॉट ब्रेकिंग दैट सपोर्ट। 2 बार हो गया है, लेट्स होप कि कल वो यहाँ से ऊपर आए और वहाँ से आपको एक अपवर्ड मोमेंटम दे। लेकिन ऊपर भी 612 उसका पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। विथ एयू बैंक हर पड़ाव पे रेजिस्टेंस भरे हुए हैं गाइस। 612, देन 637, देन 655, एवरी पड़ाव पे देर आर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस। तो जब तक इसमें कोई अच्छी खबर नहीं आती है, तब तक ये एकदम एक तरफा मूव तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। और मुझे लग रहा है वो आ जाएगी खबर, बट एयू बैंक इज़ नोन टू गिव 10-15% मूव्स इन अ डे, ऊपर या नीचे डिपेंडिंग ऑन द न्यूज़। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग गाइस।